हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो वर्ग एक और वर्ग दो में पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है वर्ग तीन के एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले, ये इस पूरी सीरीज़ का नवा लेक्चर है, इससे पहले 8 लेक्चर और आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चन से देखिए और साथ में पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है वायस इतस्य पर्यायपदम किम्। वायस का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है श्रृगाल, मयूर, काक या कोकिल। दोस्तों वायस का पर्यायवाची शब्द होता है काक। काक मतलब कौवा। श्रृगाल को कहा जाता है सियार को भी, सियार सियार। मयूर आप जानते हैं मोर, मोर को बोलते हैं। कोकिल कोयल को कहा जाता है, कोकिल कोयल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा क्या? काक। वायस का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? काक। सही उत्तर क्या होगा? काक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अप्यंत इत्यत्र संधि का। अप्यंत में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, जनादेश संधि या पूर्व रूपम संधि। तो दोस्तों अप्यंत का अगर हम संधि विच्छेद करें या वर्ण विन्यास करें तो हमें पता चलेगा कि अ धन प, ठीक है दोस्तों, और प्लस ई ई, या अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ य समझ लीजिए, आधा प है ये, य प्लस न आधा और प्लस त, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो संधि बन रही है वो देखिए, इसका आधा प और इसका यहाँ य बन रहा है आधा प और न से मिल करके, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर हम पूरा करें तो ये क्या होगा? इसका संधि, इसका संधि होगा दोस्तों अपिधन, अपिधन, अपिधन अंत, अपिधन अंत। इस अंत का अ और अपी का ई, ई धन अ जब मिलते हैं तो वह य बना देते हैं, य। और यह कहलाता है कौन सा दोस्तों? यण संधि। यहाँ क्या बनता है? य बनता है, ठीक है दोस्तों। तो अप्यंत में कौन सी संधि है? यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यायशास्त्रे कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। न्यायशास्त्र में कुल न्यायशास्त्र कुल कितने प्रमाणित हैं, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन है 10, 3, चतवारी, 4 या षष्ठ, 6, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो उसका सही उत्तर है वो है दोस्तों 4, चतवारी, ठीक है। 4 न्यायशास्त्र हैं हमारे वेदों में। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है राणा यानी शाखा कस्य वेदस्य शाखा। राणा यानी शाखा वेद कौन से वेद की एक शाखा है, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन है अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो दोस्तों का जो सही उत्तर है वह है सामवेद। क्या है दोस्तों? सामवेद। सामवेद की एक शाखा है राणानीय शाखा, ठीक है दोस्तों। इसकी एक और शाखा है जिसे कहा जाता है कोथुम, कोथुम, और एक कहा जाता है जैमनीय, जैमनीय शाखा, ठीक है, जैमनीय शाखा। तो सामवेद की कितनी शाखा है? एक राणा, कौथुम और जैमनीय, तीन शाखा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है मन्वंतरम इत्यत्र का संधि। मन्वंतरम में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यांता वेदांता देश संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या यण संधि। दोस्तों देखिए, जब कभी भी आप संधि करें तो एक बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि पहली चीज़ दोनों संधि के जब आप उन्हें अलग करेंगे तो एक सार्थक शब्द बनना ज़रूरी है, या वो सार्थक शब्द हो या तो जो प्रथम हो, या तो वो सार्थक हो या तो वो प्रत्यय या उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा मन धन अंतर। क्या बनेगा? मन धन अंतर, मन धन अंतर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और मन का, मन में अ होता है हल्का सा, मतलब आधा अ, तो इसका अ, ठीक है, और अंतर, ठीक है,
अब अंतर अंतर का अ मिलके बना देते हैं व, और ये व जब बनता है तो ये हो जाता है दोस्तों कौन सा, यड़ संधि। कौन सा हो जाता है, यड़ संधि। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित। भिन्न प्रकृति पद हमें चुनना है, पहला है अध, दूसरा है अयम, तीसरा है इदम और चौथा है अन्य। तो देखिए अयम इदम अन्य यह तीनों पुरुषों के लिए यूज करता है, मतलब प्रथम पुरुष के लिए, द्वितीय पुरुष के लिए या तृतीय पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं अयम इदम अन्य, ठीक है ना। अयम मैं, इदम तुम, ठीक है ना, अयम इदम अन्य यूज़ करते हैं। वहीं जो अध होता है यह एक प्रत्यय है, अध जो है दोस्तों यह एक प्रत्यय है, एक पूर्व प्रत्यय है, ठीक है, एक प्रत्यय है, ठीक है। बाकी ये हम पुरुषों की तरह यूज़ करते हैं। तो हमें भिन्न प्रकृति पद चुनना था, तो ऑप्शन क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्राप्स्यामि इति क्रियापदस्य धातु का। प्राप्स्यामि में धातु कौन सा है, ठीक है ना, क्रियापद में धातु कौन सा। ऑप्शन है प्रापस्य, प्राप, आप या अस्य। तो दोस्तों यहाँ देख के आंसर लगाएं, इसका सही उत्तर है आप। आपका जो शब्द रूप चलता है उसमें क्रियापद में प्राप्स्यामि जो है इसका बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न पहुँचते हैं, अगला है इदम कालिदस्य अंतम काव्यम कौन, काव्यम। निम्न में से कालिदास का अंतिम काव्य कौन सा था। ऑप्शन है कादंबरी, रामायणम, कीर्तार्जुनियम या विक्रमशियम। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा, ठीक है, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के लिए, हमारे वर्ग 3 के एग्जाम्स के लिए, वर्ग 2 के एग्जाम के लिए, वर्ग 1 के एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमें वर्ग 3 पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वर्ग 3 के लिए भी कालिदास की जितनी रचनाएं हैं आपको पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टर्स भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है क्या, विक्रमशियम। क्या है दोस्तों, विक्रमोशियम। कादंबरी जो है वो बाणभट्ट द्वारा रचित है, किसके द्वारा, बाणभट्ट, ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। रामायण हमको पता है वाल्मीकि द्वारा, है ना। कीर्तार्जुनियम और कादंबरी दोनों किसका, बाणभट्ट द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला है सीता का एक विलाप, ठीक है। सीता किसके लिए विलाप करती है, मयूर के लिए, कोकिल के लिए, चटका के लिए या कुर्री के लिए। कुर्री मतलब एक जानवर, वो जिस तरह हिरन होता है उस तरह, ठीक है। तो किसके लिए कर रही थी वो, कुर्री के लिए, कुर्री के लिए, ठीक है। विलाप किसके लिए, कुर्री के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है सर्वदेव इत्यत्र संधि विच्छेद का। सर्वदेव इत्यत्र संधि विच्छेद का, सर्वदा एव, सर्वदह एव, सर्व देव या सर्वदा एव। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर होगा वह होगा सर्वदा एव, सर्वदा एव। सर्वदेव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सर्वदा एव, ठीक है। देखिए सर्वदा आ और ये मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ अ है यहाँ ए है, क्या हो जाएगा, वृद्धि गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा, अ मिलके और ए मिलके, ठीक है, क्या बना देंगे, आए बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वृद्धि संधि हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, गुण ना होके वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो रही, मात्रा की वृद्धि हो जा रही है यहाँ पर, डबल मात्रा दिख रही है आपको, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मित्रम मधुरम खादति इत्यत्र मधुर शब्दस्य विभक्ति का। मित्रम मधुरम खादति इत्यत्र मधुर शब्दस्य विभक्ति का, ठीक है। मधुरम शब्द में कौन सा शब्द रूप है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, ठीक है दोस्तों। मधुर, मधुरम, मधुरम है यहाँ पर चंद्रबिंदु है, ऊपर चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु है दोस्तों, और चंद्रबिंदु है तो कौन सा होगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्कम इत्यत्र धातु का। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्यन इत्यत्र धातु का, त्वम उक उत यवच, कौन सा धातु है दोस्तों हमें ये बताना है। तो जो उसका सही उत्तर है वो है दोस्तों अच, वच, कौन सा है, वच धातु, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साधकतम, साधकतम क्या है, कर्म है, उपादानम, संप्रदानम या कर्णम, ठीक है। एक होता है दोस्तों देखो साधक, ठीक है ना, तो जो साधक है
अगर आपने साधक का शब्द रूप याद कर लिया होगा तो उसमें होता है क्या, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान के लिए, तो उसी तरह इसका शब्द रूप चलता है। ठीक है, तो जो साधकतम होगा वो कौन सा होगा, करणम होगा। ठीक है, करण कारक, कौन सा कारक होगा दोस्तों, करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, श्री रामस्य मातेषु एवं न भवति, निम्न में से कौन श्री राम की माता नहीं है। ऑप्शन है शबरी, सुमित्रा, कौशल्या या केकई। शबरी, सुमित्रा, कौशल्या या केकई। तो दोस्तों हम सबको पता है कि श्री राम की इनमें से माता शबरी नहीं थी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, शबरी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते इति कस्माद उपनिषद उद्धतम, सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, मंडुकोपनिषद, कठोपनिषद या क्योनोपनिषद। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है वो है क्या, मुंडकोपनिषद। क्या दोस्तों क्या उत्तर है इसका, मुंडकोपनिषद। सही उत्तर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए और संस्कृत के और भी ज्ञान लेने के लिए वर्ग तीन के एग्ज़ाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।